बहुत कुछ समझे सर आज हम। थैंक यू, मजा आया। हो जाता बहुत हमारे ज्यादा को। मजा आया सर। ऑप्शन सेलिंग हमको बहुत जानने का ये था सर, इतना बड़ा कैपिटल, बट इसको आप बास्केट में ऐड करके मार्जिन इतना कम कर दिए, वंडरफुल सर। थैंक यू। हाँ सर, जब हम बास्केट में ऐड करेंगे तो पहले हाँ बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, हाँ पहले बाई करेंगे फिर सेल करेंगे। लेकिन एग्जीक्यूट जब करेंगे सर तो उसमें एग्जीक्यूट नहीं, आप एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे नहीं बास्केट ऑर्डर में। क्यों नहीं करेंगे? बास्केट ऑर्डर में क्या होता है ना, जो दूर का स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसमें लिक्विडिटी कम होता है, ठीक जी है? तो आप जब एग्जीक्यूट कीजिएगा तो क्या होगा ना कि दूर का स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी कम है, तो मार्केट पहले इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो होगा क्या कि ये वाला ऑर्डर आपका पहले अगर लगेगा तो मार्केट इसको पहले ही कैंसिल कर देगा, तो वो पेंडिंग में चला जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, लास्ट में आपको मैनुअली ट्रेड लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग बास्केट ऑर्डर में मार्जिन देखने का यूज़ करते हैं, मतलब मार्जिन देखने में हमको हेल्प हो जाता है। बट इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से वन बाई वन एग्जीक्यूट करेंगे, पहले इसको बाई कर लेंगे, ठीक है? ये मेरा बाई हो गया, फिर इधर आके इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। सेल क्लियर है? इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बास्केट ऑर्डर से एग्जीक्यूट एक बार में नहीं करेंगे, कैंसिल हो जाता है। एक ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है? अगर मार्जिन है आपके पास, कैपिटल है, ये कैपिटल जो लग रहा है यहाँ पे, अगर पूरा कैपिटल है आपके पास 90,000 के आसपास में, ये जो कैपिटल लग रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों ऑर्डर लग जाएगा। क्लियर है?